नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के रिजल्ट और कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्जाम हुआ था, प्रीलिम्स का जो एग्जाम हुआ था 10 जुलाई 2021 को एग्जाम हुआ था और आज 31 जुलाई को रिजल्ट आ चुका है प्रीलिम्स का। तो रिजल्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको रिजल्ट पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा। ये देख सकते हैं कि पीडीएफ के फॉर्म में आपको रिजल्ट मिल चुका है। यहाँ पे कंट्रोल प्लस में एफ दबाइएगा, आपका रोल नंबर अपना फिल कीजिएगा। अगर आपका रोल नंबर होगा तो आप देख सकते हैं अपना कि आपका हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपने रिजल्ट को। और कट ऑफ के बारे में बात करें तो जितना मैंने कट ऑफ बताया था वही कट ऑफ गया। एग्जैक्ट मैंने बताया था कि 72 से लेकर 75 के बीच में जाएगा और वही कट ऑफ है। 75 से नीचे कट ऑफ आपको देखने को मिला है यहाँ पे। एग्जैक्ट कट ऑफ है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कट ऑफ देखिएगा 55 नंबर एससी कैटेगरी का गया हुआ है। उसके बाद यहाँ देखिएगा एसटी का गया 60.50, फिर एमबीसी का गया 73.25, 74.50, 74.50, 74.50, ईडब्ल्यूएस और जनरल भी 74.50। उसके बाद बाकी देखिएगा पीएच कैटेगरी का देख लीजिएगा अपना कट ऑफ है, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो कट ऑफ दोस्तों बहुत ही कम गया है और ये कितना भी शिफ्ट हार्ड होगा आप इस कट ऑफ को ला सकते थे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, यही आपको इम्पोर्टेंट डेट अपडेट आपको देना था। इसके अलावा किसी को कोई जानकारी लेना होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोगों का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।